नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे राज आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेत्र रोग के बारे में। बच्चे आज मोबाइल के स्क्रीन पे काम करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे काम करते हैं, छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ज़्यादा देर तक, टीवी से चिपके हुए रहते हैं, टीवी के स्क्रीन पे काम करते हैं, पर सिनेमा वगैरह देखते हैं, चाहे हमारे गलत रहन सहन गलत खान पान की वजह से जिनको नज़दीक की रोशनी कम हो रही है, दूर की रोशनी कम रही हो रही है, आँख से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उम्र नया है, छोटे उम्र के बच्चों को भी 20-25 साल 30 साल के से कम के उम्र के लोगों को जो आँख का रोशनी वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसके लिए एक घरेलू नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका आप प्रयोग करेंगे और बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स मिलता है। आप इसका प्रयोग करें और मात्र 2 महीना के अंदर चश्मा का पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। कई बार तो चश्मा उतर जाता है 2-3 महीना दवा और औषधि का सेवन करने से। तो इसको कैसे हम बनाएंगे या क्या इसकी मटेरियल रहेंगे उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम आंवला चूर्ण लेंगे, आंवला चूर्ण, हरड़ चूर्ण, बहेरा चूर्ण, मुलहठी चूर्ण। इसके अलावा लेंगे लौ भस्म। लौ भस्म आज के डेट में, आज के समय में बाजार में बहुत सा बेहतर क्वालिटी का नहीं आता है, उसका आप रख लें। भस्म का मतलब होता है जिस धातु का, जिस वस्तु का हम भस्म लाते हैं तो उसका भौतिक गुण नष्ट हो जाना चाहिए। कई बार बाजार में जो लौ भस्म होता है उसका आप टेस्ट कर लें, लौ भस्म के पाउडर को अगर चुंबक से के नज़दीक ले जाएंगे, अगर उसमें सट जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लौ भस्म में वो भस्म अच्छा नहीं है, क्योंकि लोहा का उसमें गुण है। तो हम प्रयास करते हैं कि बढ़िया, किसी भी बढ़िया कंपनी का शतपुटी लौ भस्म, यानी जो 100 बार जलाया गया हो, सहस्त्रपुटी लौ भस्म जो 1000 बार जलाया गया हो, ऐसे लौ भस्म का प्रयोग करेंगे। तो समान मात्रा में लौ भस्म, मुलहठी, आंवला चूर्ण, हरड़ चूर्ण, बहेरा चूर्ण इसको लेंगे और एक इमाम दास्ते में, एक लोहा के खरल में रखकर कम से कम 3-5 घंटा तक उसको खूब रगड़ेंगे। औषधि की गुणवत्ता उसके रगड़ाई पे होती है। अगर रगड़ाई खूब अच्छा हुआ तो जितने लंबे समय तक आप रगड़ेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसकी पोटेंसी बढ़ेगी, उसका काम बढ़ेगा। तो इस तरह से आप खूब उसको रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद एक आंवला चूर्ण चाहे त्रिफला ले लीजिए, आंवला हरे बहेरा, और उसको रात के समय में पानी में भिंगो दीजिए अलग से। 50-50 ग्राम ले लीजिए, 150 ग्राम हो जाएगा, भिंगो दीजिए और सुबह के समय में उसको जो है ना थोड़ा हीट करके उबाल करके और छान लीजिए। उसके रस को, उसके काढ़ा को उसमें मिला करके और फिर कम से कम
एक से डेढ़ घंटा तक रगड़ें और छाया में उसको सूखने दें। इसी तरह से एक बार और आप उसको, जब उसका नमी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, छाया में दो दिन तीन दिन चार दिन तक सुखाएंगे, जब सूख जाता है इसके बाद हम गिलोय का स्वरस लेंगे। गिलोय एक लता है जिसको अमृता कहा जाता है, गुरुज कहा जाता है। उस लता को लेकर के उसका स्वरस निकालेंगे, स्वरस निकाल करके फिर उसमें मिला करके और फिर एक डेढ़ घंटा रगड़ेंगे, फिर सुखाएंगे। इस तरह से इसको भावना देना कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। इसके बाद एक बार एलोवेरा का, एलोवेरा के स्वरस का भावना दे दें। अगर तीन भावना दे देंगे, तीन बार उसको रस से भिंगो करके रगड़ करके सुखा लेंगे छाया में, इसके बाद इतनी तीव्र औषधि हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कितना तेजी से रोशनी लाने का काम करता है। आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन से 45 दिन के अंदर निश्चित तौर पे आपका रोशनी जो है ना आ जाएगा। तीन महीना आते आते तो चश्मा उतर जाएगा और बहुत ही अच्छा कारगर और घरेलू नुस्खा है इसमें, बहुत काफी समस्या भी नहीं बनाने में। ये औषधि जब बन के तैयार हो जाता है, जिसको खाने का सिस्टम है कि एक से डेढ़ ग्राम चूर्ण को एक ग्राम घी और दो ग्राम मध विषम मात्रा में मत होना चाहिए। इसी ही प्रकार से सुबह शाम भोजनोपरांत लेने से आँख से संबंधित जितना बीमारी होता है, जैसे आँख का लाल हो जाना, आँख में खुजली पैदा हो जाना, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, नेत्र पटल की जितनी बीमारियां होती हैं, नेत्र पटल के अलावा आँख के रोग के अलावा नाक का बीमारी, कान का बीमारी, गला का बीमारी, इसमें काम करता है। और खूबसूरत बात तो इसका ये है, एक ऐसा औषधि है कि लंबे समय तक जिसको भूख की बीमारी है, अपच की बीमारी, जिसको भूख की बीमारी है, पाचकाग्नि उसका ठीक नहीं रहता है, उसके लिए तो अमृत के समान काम है। आँख के साथ साथ आपके पूरे सेहत को देखने के लिए, सेहत को ठीक करने के लिए ये औषधि, आप इसका सेवन करें और निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। ये मेरा दवा है, मैंने इसको हजारों बार प्रयोग किया है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे ही मेरे रिक्वेस्ट है, इससे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं इसमें हम लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की मन करता है, अच्छा लगता है, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।